संपत्ति, वैभव, गुण ये सब भगवती रमा के ही स्वरूप हैं, सौंदर्य। और इन्हीं सब में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य सब इसी में रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। इसका अर्थ है श्री सबको रमण कराने वाली है, आनंद दिलाने वाली, आनंद देने वाली है। किंतु उस श्री को रमण कराने वाला कौन है? जिस श्री की प्राप्ति से सब आनंद का अनुभव करते हैं वह श्री जी बिना श्री ठाकुर जी के आनंद अनुभव नहीं करते। जो सबको आनंद देने वाली है वे स्वयं ठाकुर जी से विरहित होकर के आनंद शून्य हो जाती है। जो संपत्ति के अधिष्ठात्री है उनके लिए ज्ञानिनाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी कह रहे हैं, सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहे भल दीन दया। सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहे भल दीन दया। इतनी विपत्ति है कि प्रभो न कहने में ही भलाई है। आशय क्या हुआ? आशय यह हुआ कि जिनकी कृपा से सब आनंदानुभूति करते हैं वे भी आपसे क्षणार्ध के लिए भी वियुक्त होकर असह्य वेदना का अनुभव करती है। आप रमा रमण हैं और हे भगवान ये गुण भजने के लायक, सुखदायक, शरण प्रद, आनंद भवन, दुख दमन, शोक समन, रमा रमण ये सब तो हमें संतोष नहीं है इसलिए हमने कह दिए। सच्ची बात तो यह है कि गुण गणत सिराहीन, ये असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, इनके गुणों की गणना भला कौन कर सकता है? शेष शारदा भी थकित हो जाएंगे पर इनके गुणों की गणना संभव नहीं है। और कैसे हैं? तुम अपने मन में हताशा निराशा का अनुभव मत करो, उत्साह पूर्वक भगवान की शरण स्वीकार करके भजन में लग जाओ, अत्यंत उत्साहपूर्वक भजन में लग जाओ। क्यों? यदि तुम ऐसा अनुभव करते हो कि इस संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं हूं तो उस दुखी प्राणी का नाम बताओ जो श्री रघुनाथ जी की शरण में गया हो और उसकी उसके दुख की निवृत्ति न भई हो। क्योंकि वो आरती हर हैं। क्या हैं? आरती हर। आरती माने दुख, दुख कष्ट का हरण करने वाले हैं। इसलिए तुम यह विचार मत करो कि संसार का सबसे दुखी हूं, अब मेरा क्या होगा, मुझे मेरा दुख कौन दूर करेगा। सीधे राम जी की शरण हो जाओ। तब एक दूसरा प्रश्न है, क्या हम शरण में जाने लायक हैं? एक छोटा सा बच्चा श्री जी के मंदिर में पूछ रहा था कि हम बरसाना राधा रानी के पास रहने लायक हैं। कितना बड़ा बच्चा होगा रूमटा जी? 2-3 बरस, 3 बरस का होगा ज्यादा से ज्यादा, विलक्षण बालक।
उसकी मां रो रही थी, बच्चा के पास में बैठ गया। पहला प्रश्न तो उसने ये किया कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा क्या? बोला घर परिवार संसार सब छूट जाए और बरसाना बास हो जाए। एक बात तो उसने ये कही। फिर दूसरी बात, थोड़ी देर बाद देखता रहा, बार बार प्रणाम भी कर रहा था, और प्रणाम भी ऐसे नहीं कि जैसे कोई बच्चा करे, बहुत भाव बड़ी श्रद्धा से। फिर दूसरी बार उसने पूछा कि मैं क्या भजन कर सकता हूं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो कहता है आप जल्दी उठने को बोलते हैं, मैं तो लेट उठता हूं। इसका मतलब है कि उसने जरूर कभी न कभी कथा में सुना होगा जल्दी उठो, लेट उठता हूं। तो हमने कहा कितने बजे? बोला 9 बजे 9 बजे। ये तो बहुत देर है भाई, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। उठूंगा। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है यहाँ सब छोड़ के बरसाने में रहने लायक हूं? तो हमने उसको कहा क्यों नहीं रहने लायक, लायक नहीं होते तो यहां आते क्यों? आते हो कब कब आते हो? बोले हर महीने आता हूं, रो रो के आता हूं, हर महीने आता हूं। उसकी माँ बोलती थी कि कुछ नहीं, केवल भजन में मन लगता है इसका। कहता हम कोई दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, साधन क्या करते हो? बोला राधे 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 ये जपता हूँ। फिर बोला मन संसार में क्यों चला जाता है भजन के समय? हमने कहा देर से उठ के भजन करते हो इसलिए इधर उधर मन चला जाता है, सूर्योदय के पहले स्नान करके भजन करोगे तो नहीं जाएगा। फिर बोले मैं यहाँ रहने लायक हूँ क्या? तो हमने कि लायकों का गुजारा तो दुनिया में कहीं भी हो जाता, जो किसी लायक नहीं होता, नालायक होते उन्हीं का गुजारा श्री जी के दरबार में होता है, इसलिए चिंता मत करो। और तो एक दो बात हम भूल गए हैं, बड़े लोग जो बरसों तक सत्संग किए हैं वो लोग ऐसे प्रश्न नहीं करते जैसे प्रश्न वो 3 वर्ष का बच्चा कर रहा था। अब गुसाई जी रो रहे थे उस बच्चे को देख देख के, कह रहे थे बताओ हम लोग श्री जी के अंग से भी हैं, हमारा ये भाव है। तो हम तो यहां इस भाव में बोल रहे हैं कि यदि तुम संसार के सबसे दुखी प्राणी हो ऐसा अनुभव करते हो तो भगवान की शरणागति ही तुम्हें दुख रहित बना सकती है, क्योंकि भगवान आरती हर हैं। यदि तुम यह समझते हो कि मैं शरण में जाने लायक हूं क्या, ब्रजवास के लायक हूं क्या, बरसाना बरसाना रहना और शरण में रहना दो चीजें नहीं, एक ही बात है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है, धाम का आश्रय साक्षात भगवान का आश्रय है। कई बार जीव को हताशा निराशा होती है, हम नहीं हैं, किसी लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं जो ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, जितेंद्रिय हैं, शम दम तितिक्षा उपरति आदि दैवी सद्गुणों से युक्त हैं, वे ही भगवान की शरण में जाने के योग्य। मैं तो संसार का सबसे नीच व्यक्ति हूं, सबसे अधम व्यक्ति हूं,
मुझसे अधिक अधम और कोई दूसरा नहीं है। यदि तुम ऐसा अनुभव करते हो और तुम्हारे मन में निराशा हो रही है कि मैं शरण में कैसे जाऊं, तो गोस्वामी जी कहते हैं अधम, उस अधम का नाम बताओ जो शरण में गया हो और फिर सबका सिरमौर न हो गया हो, वंदनीय पूजनीय न हो गया हो। शबरी माता क्या कह रही है? अधम ते अधम, अधम अति नारी, अपने लिए कह रही है वो। शबरी अपने लिए कह रही है, मैं तो अधम ते अधम अधम अति, तीन महु में मति मंद गवारी। और उस शबरी को ठाकुर जी ने प्रातस्मरणीय बना दिया। शबरी कैसी भक्ता है, शबरी राम जी की भक्ति कितनी करती है तो शबरी जी जाने, पर राम जी शबरी की भक्ति करते हैं, ऐसा नाभा जी का भाव।